नमस्कार दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारा न्यूज सुना होगा जो अफवाहों के वजह से बहुत सारा स्टॉक्स के अंदर एक तेज मूवमेंट आ जाता है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है, बहुत तेज गिरावट आ जाता है। दोस्तों, ऐसे कंडीशन में रिटेल इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ऑपरेटर बहुत बार ऐसे रूमर्स फैलाकर मार्केट में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं और नहीं करने के कारण इनको एक बड़ी लॉस झेलना पड़ता है। तो अभी के डेट में सेबी ने एक बहुत ही जबरदस्त सर्कुलेशन लाई है। दोस्तों, सेबी का 21 मई 2024 के सर्कुलेशंस के अनुसार आपका जितने भी लिस्टेड कंपनी है, इन सारे में ऐसा कहीं भी न्यूज आता है तो इस न्यूज के वजह से जो मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, इसका जस्टिफिकेशंस की बात करी गई है। दोस्तों, इस सर्कुलेशंस के अंदर बहुत ही क्लियर वे में बताई गई है कि जिस कंपनी में ऐसा कुछ अफवाह के कारण उस स्टॉक में मूवमेंट आती है तो उनको 24 आवर के अंदर जस्टिफिकेशंस देना पड़ेगा। उनको पूरा क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि क्या ऐसा रीजन था जिस कारण से स्टॉक के अंदर इतना तेजी से बढ़ी है। अगर ये जस्टिफिकेशन या जो आपका अफवाह आई थी ये सही है तब भी आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और गलत है तब भी आपको जस्टिफिकेशन आपको वहां पर देना पड़ेगा। अब आपको एक चीज और समझने वाला बात यहां पर ये है कि अफवाह के कारण जनरली उस स्टॉक के अंदर तो एक बड़ी मूवमेंट आ जाती है, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होता है उनको लॉस हो जाते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए आपका सेबी ने एक और कंसेप्ट दी है, जो बोल सकते हैं आपका अनइफेक्टेड प्राइस होता है, जो आपका वेटेड एवरेज द्वारा कैलकुलेट करी जाती है। तो दोस्तों, हम लोग इस कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं जिससे और अच्छे से हमें क्लैरिफाई मिलेगा। दोस्तों, सेबी का जो सर्कुलेशन से सर्कुलेशन के अंदर जो अनइफेक्टेड प्राइस का जो कंसेप्ट है, कुछ इस तरीके से है कि वॉल्यूम बेस्ड वीवैप का जो एडजस्टमेंट का तरीका अपनाई गई है, जिसके अंदर वेटेड एवरेज के प्राइस के द्वारा ये सारा चीज को कैलकुलेट करी जाएगी। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ये डेली बेसिस पर करी जाएगी, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका 7 दिन तक चलता है या 1-2 दिन तक चलता है तो उस बेसिस पर ये देखा जाएगा, लेकिन जो ये सर्कुलेशंस के अंदर जो कैलकुलेशंस है वो आपका डेली बेसिस पर ही करी जाएगी। अब एक चीज और, इस मेथड के अंदर जो आपका प्राइस है ना वो फियरनेस और एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा, यानी कहने का मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर को जो लॉस हो जाती है इसमें कहीं ना कहीं कमांड यहाँ पर होने वाला है। एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। बाय द वे, मान लीजिए कि ए लिमिटेड कोई कंपनी है जिसमें एक अफवाह आ जाता है, जो गलत अफवाह थी और जिस कारण से इस स्टॉक में एक तेज गिरावट यहां पर आ जाता है। अब समझिए, मान लीजिए ये जो अफवाह आता है 27 जुलाई का आता है और 27 जुलाई का प्राइस में एक बहुत तेज गिरावट आता है। 28 जुलाई का जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो पुष्टि करते हैं कि भैया ये अफवाह था, ये न्यूज नहीं था। अब यहाँ पर तो भाई इन्वेस्टर को लॉस हो गई। तो यहाँ पर आपका सेबी ने बोला है कि अभी आपको एडजस्टेड करी जाएगी इस प्राइस को 26 जुलाई के बेसिस पर, और इस प्राइस को कहीं ना कहीं अगले दिन क्या करेगा, करेक्ट कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आया? अगर ये जो आपका ये जो पुष्टि है 4 दिन के बाद आता तब भी ये 4 दिन का आपका वेटेड एवरेज डाला जाता, यानी कि वेटेड एवरेज प्राइस के अनुसार आपको कैलकुलेशंस करके आपका कंफर्म किया जाता अगले दिन प्राइस को। तो इन सारे कैलकुलेशंस के वजह से एक रिटेल इन्वेस्टर को एक सही प्राइस मिल पाएगा। बाय द वे, बहुत बार पहले ऐसा ही हो जाता है कि 30% मार्केट चढ़ गई और वहां से अपना पोजीशन को ऑपरेटर स्क्वायर अप कर दिया, तो वहां तो एक बड़ी लॉस हो जाती है। दोस्तों, इस कैलकुलेशन के वजह से रिटेल इन्वेस्टर को बहुत हद तक फायदा होने वाला है और अफवाहों से होने वाला उतार चढ़ाव से बहुत हद तक प्राइस में ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आप चाहते हो तो मेरा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।